रात का समय था, सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए। वेरी गुड, बस रुक जाओ। दूसरा लेसन पढ़ के बताओ मुझे जरा। ये पढ़ो। लोमड़ी ने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। उसने पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। साथियों, आज कंपोजिट स्कूल लक्ष्मणपुर से दो निपुण छात्र जा रहे हैं, जिसमें से एक छात्रा है और एक छात्र है, और ये कक्षा तीन है। कक्षा तीन में आप देख रहे हैं बच्चों की उपस्थिति। इसमें से लगभग टीचर से इनके जानेंगे कितने बच्चे निपुण हो चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। और सीधा मैं ले चलता हूं उन बच्चों के पास जो यहां से जा रहे हैं। उसका कारण भी बताया जाएगा आपको। पहले ले चलते सामने, ये हमारे कक्षा तीन के कक्षा अध्यापक श्री तेसर और श्रीमती पुष्पलता भारती मैम। इन बच्चों के जो पिताजी हैं सूरत में रहते हैं, तो इनको यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहते, तो फैमिली के साथ जहाँ अपनी नौकरी करते हैं वहाँ इनको लेके जा रहे हैं। इसीलिए बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। जब कभी साल दो साल में आएंगे तब इस स्कूल में आएंगे, नहीं तो अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी करेंगे। तो ये निपुण छात्र छात्रा हैं जी। आपको कैसा लग रहा है ये बच्चे जा रहे हैं? तो जाने में थोड़ा तो लग रहा, लेकिन एक मजबूरी है। मजबूरी हो गई है कि बच्चे जा रहे हैं, अपने माँ और पिता के साथ रहें, यहाँ अकेले तो रह नहीं सकते। जी, तो चलते हैं बच्चों के पास और इनसे जानते हैं। नाम बताओ बेटा अपना। अमी। क्या नाम है? अमी। हिंदी पढ़ने आता है? यस। अच्छा, पहाड़ा कितना याद है? 15 तक याद है। अच्छा, हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर पढ़ के बताओ क्या लिखा है। वेरी गुड, क्लैप कर दो सब लोग। अब चलते हैं इसकी बहन की तरफ। नाम बताओ अपना। अंजलि। हिंदी पढ़ने आता है? और गणित में जोड़ घटाना, गुणा भाग, आपको भी गुणा भाग आता है? अच्छा, कितने अंकों गुणा भाग? दो अंकों गुणा भाग, ठीक है। इसको पढ़ के बताइए। विदाई, ठीक है। तो ये तो ठीक है, किताब भी पढ़वा लेते हैं इन बच्चों से। आ जाओ, चलो पढ़ो जरा क्या है। नीचे उतर आओ। बस वेरी गुड, क्लैप कर दो बच्चों। तो साथियों, आपने देखा कि सरकारी स्कूल के कक्षा अध्यापक कितना मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को निपुण बना रहे हैं, लेकिन चाहे किसी भी कारणवश जब बच्चे निपुण बच्चे जब निकलते हैं तो बड़ा दुख होता है। और ठीक है, चलिए हमको तो अच्छे से विदाई करनी है निपुण बच्चों की। इनकी मैडम से जान लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। कोई मजबूरी है तो मिलना तो पड़ेगा, पर बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए इन बच्चों की स्पेशल विदाई की जा रही है और सारी अरेंजमेंट हमारे बच्चों ने की। तो साथियों देख लेते हैं अरेंजमेंट क्या है। देखिए, ये सब कक्षा तीन में पढ़ने वाले बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, जो ये बच्चे जा रहे हैं। इनको देखिए, प्रत्येक बच्चों को क्या क्या दिया जा रहा है। एक पेंसिल बॉक्स है, उस पर चॉकलेट है, देखिए शार्पनर है, इरेजर है, पेंसिल है और कलर है और कलर बुक है, ठीक है। दोनों बच्चों को दिया जाएगा। तो सर दीजिए पहले आप। नहीं, हाथ में दीजिए ना, हाथ में दीजिए, अभी पकड़े भैया। अब बच्चों से जान लेते हैं इनको कैसा लग रहा है स्कूल से जाते समय। तब अंजलि, कैसा लग रहा है आपको? हैं? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो पापा को आपको जाना इसलिए जा रही हैं, है ना? हाँ, स्कूल में कैसा लगता था? अच्छा लगता था, ठीक है। तो अब दुख तो मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि जब ऐसे बच्चे निकलते हैं स्कूल से तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मेहनत किया जाए, निपुण बनाया जाए
और उसके बाद बच्चे हमारे चले जाते हैं। सर इसमें आपकी क्लास में से अधिकतर बच्चे कितने परसेंट पहुंच गए निपुण की तरफ? हमारे होंगे 55-60% जो निपुण की तरफ चले निपुण हो गए हैं और अभी बाकी पे काम चल रहा है। ठीक, चलिए जल्दी कक्षा 3 में निपुणता मुझे लग रहा है 90+ पार हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से बच्चों से जान लेते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सूरत। तो सूरत पढ़ाई करेंगे आप लोग कि नहीं छोड़ देंगे पढ़ाई? पढ़ोगे पढ़ाई? ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, स्कूल की याद आएगी? सबसे ज़्यादा किसकी याद आएगी? बच्चों की, टीचर मैम की। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आएगी? मैम को। अच्छा, मैम की याद आएगी, फिर बच्चों की। अच्छा चल, चलिए देख बच्चों तुम्हारी भी याद आएगी। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है इन बच्चों की विदाई करते हुए, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। और बस यही खर्च है कि बच्चों को हमने निपुण बना दिया है, जहाँ भी जाएंगे पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो चलिए साथियों, ये हमारे निपुण बच्चों की विदाई हम लोग आज कर रहे हैं, और अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। इनके पिताजी सूरत जा रहे हैं, अब व्यक्तिगत चारण है इनके घर का। और चलिए जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें बच्चे। चलो बच्चे पढ़ाई कर दो। अमित, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी जगह पहुँचे कि सरकारी स्कूल में मेहनत की जा रही है, और आपके सामने इन बच्चों से पूछा भी गया, हिंदी पढ़वाई भी गई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।